समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं नेता विरोधी दल रहे अहमद हसन अंसारी की मौत की खबर से समाजवादी पार्टी एवं उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है। नगर पंचायत पागबड़ा में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अहमद हसन अंसारी और उनकी पत्नी की मौत पर गहरा दुख जाहिर किया गया। नगर पंचायत पागबड़ा क्षेत्र की दरगाह के सज्जादा नशीनों और अहमद हसन अंसारी के समर्थकों द्वारा पागबड़ा में शोक सभा आयोजित की गई और तिलावत कुरान किया गया, साथ ही कुल शरीफ पढ़ा गया। कुल शरीफ के बाद उनके हक में दुआ भी कराई गई। मालिक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा, मौला तो उनकी मगफिरत फरमा, मगफिरत फरमा दी हो तो दराजात में बुलंदी अता फरमा, उनकी कब्रों को बुक्का नूर बना दे, मौला नूर से मामूर फरमा दे, ताहत दे नजर तक कब्रों को कुशादा फरमा, जन्नती बिछोना अता फरमा, जन्नत की हवाएं अता फरमा, मौला तो उनके ऊपर अपना खास फजल और खास करम फरमा, उनकी कब्रों पर रहमत और अनवार की बारिश फरमा, मौला करीम तूने उनकी मगफिरत फरमा दी हो तो दराजात में बुलंदी अता फरमा, कबायर सबायर गुनाहों की माफ फरमा, ये खताओं को दरगुजर फरमा, अपने फजल और अपने करम से अल्लाह तू उनकी मगफिरत फरमा, इलाहुल आलमीन तू अपने रहमत से अल्लाह तमाम आलम के अंदर अमन अमान चैन और सुकून कायम फरमा, हमारा बतन अजीज जो हिंदुस्तान है मालिक इसमें खुशहाली अता फरमा, तरक्की अता फरमा, अमन अमान अता फरमा, चैन और सुकून अता फरमा तमाम लोगों। साथ ही कहा गया कि अहमद हसन अंसारी नेक दिल इंसान थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत के लिए वक्फ कर दी। हमेशा युवाओं को मोटिवेट करना और अच्छी शिक्षा पर उनके द्वारा संबोधित किया गया, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा काम किया गया। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बताई हुई बातें हम सभी को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती रहेंगी। पागबड़ा के युवा समाज सेवी अब्दुल रशीद अंसारी द्वारा कहा गया कि अहमद हसन अंसारी हमारे नेता थे और हमारे रहबर भी, क्योंकि उन्होंने अकलियत को आगे बढ़ने का संदेश दिया, शिक्षा को लेकर हमेशा यूथ को मोटिवेट करने का काम किया और ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए जिससे आज का युवा कल का भविष्य बन सके। उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका निधन हमारे लिए आज सबसे बड़ी क्षति है। किस तरह के इंसान थे अहमद हसन अंसारी साहब? अहमद हसन साहब एक अच्छे अफसर, नेक ईमानदार, और सियासत में भी वो नेक ईमानदारी रहे और ये समाजवादी के अंदर एक स्तंभ बनकर रहे और ईमानदारी से उन्होंने अपना काम किया। मैं भी उन्हीं की ईमानदारी और वफादारी के बेस पर इस समाजवादी में सन 13 में शामिल हुआ था। उनकी मौत